ऐड करना है के हवाले से ये टॉपिक है। कंट्रोल ऐड तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, कर भी दिया है, उसको मजीद बताया गया कि देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। स्टार्टिंग में बताया बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे हैं, उनके कैटेगरीज बने हुए हैं। दैट वी कैन ऐड टू द फॉर्म अमंग द कंट्रोल्स द मोस्ट कॉमन वंस आर दी बटन लेबल टेक्स्ट लिस्ट बॉक्स कम्बो बॉक्स पिक्चर बॉक्स चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन। ये कॉमन है, ये बहुत सी जगहों पे ये सारी यूज होती है या इनमें से दो चार तो मस्ट है, वो हर जगह पे काम इनका जो है इस्तेमाल है। ठीक है, द कंट्रोल्स प्रॉपर्टीज कैन बी सेट टू विजिबल और इनविजिबल विजिबल एट रन टाइम। विजिबल एंड अनविजिबल से क्या मुराद है रन टाइम पे? अभी हमने एक एग्जांपल किया, उसमें कोई मुझे बता सकता है कि रन टाइम पे विजिबल इनविजिबल का क्या मतलब है? यहाँ पर जो ये बता रहा है इससे क्या मुराद है? अभी हमने अभी अभी रिसेंटली जो किया वहाँ पे ये काम हमने कहाँ पे किया? क्या क्या नहीं शो हो रहा है? टाइटल शो हो रहा था पहले, फर्स्ट प्रोग्राम लिखा उसके बाद लिखा कि हाँ लो। नहीं, ये चीज नहीं यार, ये कुछ और कह रहा है। दोबारा बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज सुनो जरा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी में आपके जहन में सब चीजें आ जानी चाहिए, कौन सी हैं, कलर चीजें, ये वो सब आ जाती है। फिर इसके बाद ये क्या कह रहा है? कैन बी सेट टू विजिबल और इनविजिबल। प्रॉपर्टीज आप यूज कर रहे हो, लेकिन प्रॉपर्टीज में सारे ऐसे प्रॉपर्टीज नहीं जिसको आप विजिबल इनविजिबल कर सको। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसको आप विजिबल इनविजिबल करते हो? जो अभी हमने एक एग्जांपल में अभी किया, अभी पिछले में मैक्सिमाइज ट्रू फॉल्स, तो इसका मुराद ये। तो मतलब बहुत से प्रोग्राम की चीजें ऐसी है कि नाम चेंज हो रहा है लेकिन काम वही एक ही है। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंस भी कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी कह रहे हैं, कंट्रोल भी कह रहे हैं। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना, कहीं भी आपको बोलते जी ऑब्जेक्ट, आप समझ जाओ जी ये कंट्रोल की बात कर रहा है, ये फॉर्म की बात कर सकता है, बटन की बात कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज होगी एट रन टाइम। तो रन टाइम भी हम कर रहे थे कि जी वहां पे मैक्सिमाइज करें तो ना हो, क्योंकि हमने उसको फॉल्स किया हुआ था। इसको बंद कर दो ना, अच्छा। हाउएवर सम कंट्रोल्स विल ओनली रन इन द बैकग्राउंड एट रन टाइम, वन सच कंट्रोल इज द टाइमर। अच्छा, कंट्रोल्स के इसने बताया कि जी बहुत सारे कंट्रोल्स है वीवी के अंदर, काफी सारे हैं, लेकिन कॉमन कौन से हैं? टेक्स्ट बॉक्स, बटन और कौन से लेबल है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन, टाइटल नहीं ना, हर जगह पे टाइटल कहाँ से आ गया, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स एक्सेट्रा, कॉमन ये है। अच्छा, कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे क्या है जी, ये जो आखिरी लाइन में बता रहे हैं, कुछ कंट्रोल्स ऐसे हैं जो हमें हमारे फॉर्म पे नजर नहीं आते लेकिन हम यूज करते हैं उनको। ठीक है, अब वो कौन से हैं? एग्जांपल दिए टाइमर, टाइमर जो चला रहे होते हैं ना कुछ जगहों पे जी। एक एप्लीकेशन है जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन, बहुत से हमने देखोगे जिसमें सेशन के नाम आते हैं जी, क्लास का एक सेशन, ऑनलाइन सेशन चल रहा है। ठीक है, वो 5 मिनट का सेशन है, 5 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो उस प्रोग्रामर ने जिसने ये बनाया है सेशन, उसने पीछे कोडिंग में टाइमर लगाया हुआ है और टाइमर को 5 मिनट में सेट किया हुआ है, ये प्रोग्राम चले। जैसे ये बम हो गया, जो टाइमर होते हैं चीजें उसकी, सीपीएलसी उसके अंदर भी कोडिंग होती है पीछे उसने, हाँ वो टाइमर सेट कोडिंग की, तुम टाइमर वो डाल देते, वो एक ये टाइमर का भी एक वो फंक्शन है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जो आपका डायलॉग बॉक्स है, जो सभी जो मैं पहले भी बता रहा था, ओपन करते हैं ना फाइल, फाइल ओपन करके सेलेक्ट करके ओपन करते हैं वो खुलता है वो, या सेव करने के लिए जो खुलता है छोटा सा नीचे, वो भी एक ऐसा कंट्रोल है जो आपका नजर नहीं आता है। बटन हमने डाल दिया फॉर्म के ऊपर, नजर आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स भी नजर आ रहा है, रेडियो बटन जितने भी हम कॉमन यूज वाले वो नजर आ रहे हैं, हम यहाँ सेटिंग करते हैं ऊपर नीचे, इसको हम डालेंगे वो एक बॉटम में आपको डिजाइन वाले टाइम पे नजर आएगा, लेकिन जब प्रोग्राम आपका रन होगा ना तो रन वाले टाइम पे वो कहीं साइड में नजर नहीं आता बटन और उसकी तरह। ठीक है, कंट्रोल आपको समझ आ गए, बिल्कुल सिंपल सा, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो उसको, इंस्टेंस भी कह सकते हो, लेकिन जब प्रोग्रामिंग सेक्शन में जाएंगे तब इनके यूज के हिसाब से इनको हम नाम से बुलाते हैं। ठीक है, जैसे एक बंदा है उसको घर पे किसी नाम से बुलाते हैं, फैक्ट्री में उसको दोस्त किसी नाम से बुलाते हैं, किसी और जगह जाता है मतलब किसी बड़ों के महफिल में बड़े उसको किसी और नाम से बुलाते हैं, तो इस तरह इसको आप कंसिडर करो, ये ऑब्जेक्ट भी बुला रहे हैं इसको, इंस्टेंस भी बुला रहे हैं, कंट्रोल भी बुला रहे हैं इसको। क्लियर होगी बात? ठीक है, दो दो टाइप के कंट्रोल एक तरह से हो गए, मतलब वैसे तो बहुत सारे टाइप के हैं। भारत,
पोजिशनिंग दी टूल बॉक्स, ये पहले बता चुका हूँ, मतलब टूल बॉक्स को हैंडल कैसे करते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट पे। टूल बॉक्स इज यूजली हिडन, नजर नहीं आता, जैसे अभी हुआ था एक हमारे सामने, मतलब गायब होता है व्हेन यू स्टार्ट विजुअल स्टूडियो, बाजू का तो नजर नहीं होता। बाय डिफॉल्ट यू नीड टू क्लिक द व्यू ऑन द मेन्यू, व्यू के अंदर ये ज्यादातर ऑप्शन रखे हो ना जूम करने के लिए, किसी किसी और टूल बॉक्स को या किसी और विंडो को रखने के लिए, हटाने के लिए, ये चीजें व्यू वाले ऑप्शन में, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है आप टूल बॉक्स गायब हो गया है, उसको देखना है तो व्यू के अंदर जाके देखेंगे, तो वहां आपको टूल बॉक्स मिलेगा, आप क्लिक कर दो। दूसरा क्या है, दूसरा इसका इन्होंने दिया हुआ है जी कंट्रोल डब्ल्यू और एक्स, ये तीनों बटन आप दबाएंगे तो आपका टूल बॉक्स नजर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, टूल बॉक्स समझ आ गया, कंट्रोल थोड़ा एक्सप्लेन किया, आगे चले। अच्छा जी, अब कॉमन कंट्रोल्स मैंने जैसे कहा था कि ये वाले कंट्रोल्स हैं, उसमें से हमने ये सेलेक्ट किए जिन पे हम काम करेंगे, हम सिर्फ यही यूज होंगे, इसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो नहीं रहा है लेकिन, तो फिर देखेंगे बाकी को, लेकिन इन्हीं पे हम कोडिंग करेंगे, इन्हीं को हम अपने प्रोजेक्ट्स पे यूज करेंगे। डिफरेंट कंट्रोल्स और कंपोनेंट्स, अब एक और नाम आ गया यहाँ पे कंपोनेंट्स, ठीक है, ये भी हो सकता है कंफ्यूज हो, कंपोनेंट्स कोई और चीज हो। डिफरेंट कंट्रोल्स और या कंपोनेंट्स यूज टू बिल्ड अ यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस वही है जीयूआई है आपका, जो आपका स्क्रीन है, जो आप जिस पे सामने आपको खुला हुआ है, यहाँ आपका फॉर्म है, ठीक है, ये आपका इंटरफेस। इन विन फॉर्म्स, अच्छा विन फॉर्म्स भी कहते हैं इसको, विंडोज फॉर्म्स या विन फॉर्म्स शॉर्ट में, आर अवेलेबल इन दी फॉर्म्स ऑफ क्लास। तो मैंने पहले कहा था हर ऑब्जेक्ट की क्लास होती है, फॉर्म की एक अलग क्लास है, कंट्रोल्स की एक अलग क्लास है, तो ये मजीद हम आगे प्रोग्राम्स करते जाएंगे, हमें चीजें नजर आएगी उस वक्त उन चीजों को और मजीद एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो है ना फॉर्म के क्लास के अंदर अवेलेबल है, मतलब विंडोज फॉर्म। सम ऑफ द कंट्रोल क्लासेस दैट आर इंक्लूडेड इन द सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स नेम स्पेस आर। अच्छा, ये सिस्टम आपका वीपी वाला सिस्टम है, विंडोज ये क्लास बनाया है, उसके अंदर फिर हमने फॉर्म्स रखा हुआ है, फॉर्म्स के अंदर फिर उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके ये फॉर्म ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज इसके अंदर, ये क्लास का पूरा नाम है, इसको इन्होंने नेम स्पेस दिया हुआ है, मतलब ये एक सेंटेक्स है, सेंटेक्स के लो या नेम स्पेस के लो, यहाँ पे सिर्फ क्लास के लिहाज से इसको नेम स्पेस बोला है, सेंटेक्स इसीलिए नहीं बोल सकते, सेंटेक्स हम कोडिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और ये कॉमन कंट्रोल्स के नाम दे दिए हैं, सही है। यहाँ पे भी ये कंट्रोल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, पीछे भी कंट्रोल को एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी कंट्रोल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली विंडोज फॉर्म की सिर्फ बात हो रही है, और बाकी कंट्रोल्स के हमने नाम लिए हुए हैं जिसपे हम काम करेंगे, सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी सी कंसंट्रेशन रखना जी, ये क्या है, ये हम अभी कर चुके हैं प्रैक्टिकल, इसीलिए थोड़ा समझने में इजी होगा आपको, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी बड़ी डेफिनेशन देख के आप लोग वो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यार ये क्या है। पहले इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है जी, अ क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या है, एक कोई भी मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वो आप उसको एक टेम्पलेट कह सकते हो, उसको आप एक मतलब पैकेज कह सकते हो, या कोई छोटा सा गिफ्ट कह सकते हो, जिसके अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो उसका क्लास है, ठीक है। अ क्लास कंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शनैलिटी दैट ऑब्जेक्ट पजेसेस, ठीक है। अ क्लास कंटेन्स द, अब क्लास क्या है जी, क्लास एक क्लास वो है जो आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को और मेथड्स को अपने अंदर रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शनैलिटी यही बात है, कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज को, फंक्शनैलिटी जो है वो आप कह सकते हो मेथड को, ठीक है। अच्छा चलो डेफिनेशन पूरा पढ़ते हैं, फिर दोनों को और एक्सप्लेन करते हैं, फिलहाल ये समझो इसको क्लास क्या है, कंटेंट्स क्लास के अंदर क्या होती है उस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट अब याद कर लो, ऑब्जेक्ट हमारे पास फॉर्म है, बटन है, टैग्स है, ये सारी चीजें, ऑब्जेक्ट की बात आ गई, अब समझो हर ऑब्जेक्ट की एक क्लास है, ठीक है। अब उस क्लास के अंदर ही उसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज कौन सी थी जो हम कर रहे थे, कलर वगैरह जो चीजें हैं, बैकग्राउंड, ये वो सारे प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, और दूसरा क्या है, फंक्शनैलिटी दैट ऑब्जेक्ट्स कैन पजेस, जो ऑब्जेक्ट्स के साथ होती है, मतलब फॉर एग्जांपल कंसीडर अ ट्रेन एज ए क्लास। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया ट्रेन का, ट्रेन आप समझ लो एक ट्रेन है, वो उसको आप कह लो ये आपका क्लास है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस पार्टिकुलर क्लास विल प्रोसेस
पोजेसिस दी करेक्टरिस्टिक कौन से है, इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी है, नंबर ऑफ इंजन एंड नंबर ऑफ कोचेस एंड दी फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी कौन से, स्टार्ट, ट्रेन स्टार्ट होता है, ट्रेन मूव होता है, ट्रेन स्टॉप होता है, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। मतलब क्लास क्या आता है मैंने बता दिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर उसको सेपरेट जगह पे हमने रखना पड़ता है, उसको अलग एक जगह पे रखना पड़ता है, उस जगह को मतलब हमने नाम दे दिया क्लास का, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट की क्लास हो गई, अब उस क्लास के अंदर उस ऑब्जेक्ट की चीजें होंगी, सारी चीजें सिर्फ दो ली है हमने उसकी, क्या तो चीजें ली है, एक उसकी प्रॉपर्टी और मेथड, यहाँ उसको आप कह सकते हो उसकी करेक्टरिस्टिक या फंक्शनैलिटी। प्रॉपर्टी और मेथड आप याद रखो, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप इन दोनों पे काम करोगे, इसी दोनों नाम से आपको वास्ता पड़ेगा। या इंग्लिश के लिहाज से मैंने इसको करेक्टरिस्टिक और फंक्शनैलिटी नाम दिया है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी खसलतें हैं, प्रॉपर्टीज प्रोग्रामिंग के लिहाज से उसकी खसलतों को बोलते हैं, मतलब उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका फॉन्ट, ठीक है, उसका साइज, ये उसकी खसलतें हैं उस ऑब्जेक्ट की, किसी क्लास में पढ़ा है, ठीक है। फंक्शनैलिटी अभी उसकी क्या है, या उसके मेथड कौन कौन से जी, उसका फंक्शन उसका क्या है, काम क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो ऑब्जेक्ट आपका ट्रेन जैसे स्टार्ट होता है, रुकता है, बंद होता है, ठीक है, या मूव करता है, ये उसकी फंक्शनैलिटी होगी। समझ आ गई यहाँ तक बात। करेक्टरिस्टिक एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ क्लास आर नोन एज प्रॉपर्टीज एंड मेथड रिस्पेक्टिवली। यही बात है कि क्लास जो करेक्टरिस्टिक को आप प्रॉपर्टीज को कहते हैं, और फंक्शनैलिटी जो है, फंक्शन जो है उसका, उस ऑब्जेक्ट का, वो कौन से उसके मेथड है। द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ द क्लास कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली। क्या कह रहे हैं यहाँ पे जी, हमने क्लास बना दिया किसके लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर्म के लिए। अभी सिर्फ हम एक स्टेप पे चल रहे, क्लास को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसके मेथड को, तीन चीजें लेके चल रहा हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं होना इसमें। क्लास ली मैंने किसके लिए जी, एक ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट कौन सा है जी, फॉर्म है। आप उस फॉर्म के क्या है, दो चीजें ले रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के, क्लास के अंदर, एक उसकी प्रॉपर्टी और दूसरा उसका मेथड। प्रॉपर्टी उसके कौन से हैं जी, कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, बार बार बता रहा हूं, और मेथड उसके कौन से हैं, उसकी फंक्शनैलिटी है। जैसे ट्रेन का एग्जाम्पल लिया, आप यहाँ पे ये उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी और मेथड जो है ऑफ क्लास, क्लास के जो है वो डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली हम कलर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ लिख दिया जी बैकग्राउंड कलर ब्लू, या सिर्फ लिख दिया हमने ब्लू, तो ये काम नहीं आएगा। एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास मस्ट बी क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस, इन दिस इंस्टेंस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अच्छा, इसको करने के लिए क्या है, हमें उस ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। मतलब कि जैसे वहाँ पे हमने फॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, फॉर्म की हमने क्लास बनाई, उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स पे या उसके फंक्शन पे अगर बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि हम उसके फंक्शन, क्लास के प्रॉपर्टीज या मेथड को डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम उसको प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वो तो क्या था, मी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू उसका कलर, मी डॉट बैकग्राउंड कलर। तो मी क्या है, वो एक इंस्टेंट है, उसका एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया ताकि उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सके ऑब्जेक्ट के, उसके मेथड्स को एक्सेस कर सके वहां से। तो क्लास हमने बना लिया, क्लास के अंदर दो चीज, क्लास क्यों बनाने की जरूरत आ गई, कि उसकी चीजें मतलब एक ही जगह पे हो, जो कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, इसका मतलब उसका क्लास भी बन गया एक तरह से, आप अज्यूम कर लो। तो क्लास क्यों बना है, क्योंकि उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी अपनी चीजें होंगी, वो सेपरेट है, उसको सेपरेट एक क्लास देना पड़ेगा, सेपरेट उसको घर देना पड़ेगा, ताकि वो अपनी चीजें अलग रखे, किसी और में मिक्सअप ना हो, ठीक है। फॉर्म बनाया हमने, फॉर्म एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका एक क्लास बन गया, ठीक है। उसके क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज आ गई, उसका कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, टाइटल का टेक्स्ट हो गया, या उसका नाम हो गया, उसके फिर बिहेवियर प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। नहीं नहीं बिलू को नहीं लेंगे आप प्रॉपर्टीज में, आप ये इसकी फंक्शनैलिटी की बात करो, फंक्शनैलिटी क्या है, मतलब उसका फंक्शन क्या है, ये तो प्रॉपर्टी होगी ना, उसकी खसलत तो समझ में आ गई है मैं, कि कलर उसका रंग, भाई इसकी खसलत क्या है, काला है, पीला है, गोरा है, कैसा है, तो ये तो बैकग्राउंड कलर उसमें आ गया। फंक्शनलिटी में कौन सी चीजें आएंगी, फॉर्म की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कौन सी आएंगी, कोई जहन में आ रहा है फंक्शन में, यहाँ पे एग्जांपल तो जहन में रहा है, ट्रेन के एग्जांपल को, मूव हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, ये इसका फंक्शन है,
तो यहाँ पे फॉर्म का फंक्शन क्या हो रहा होगा, फॉर्म में क्या फंक्शन, हम उसको उसकी फंक्शनलिटी क्या है, उसका काम क्या है फॉर्म का, मतलब उसमें क्या क्या, मतलब उसको क्लोज करना, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, फंक्शनलिटी थोड़ा नाम से भी जज करने की कोशिश करो ना, बहुत सी चीजें नाम से रिलेटेड रखी हुई है। ठीक है, तो दो दो क्लास की दो चीजें और क्लास को मुश्किल से समझो, क्लास कुछ भी हो सकता है, आपने ऑब्जेक्ट कोई बना लिया क्लास बन गया समझ लो, कोई भी एक बटन बना लिया आपकी क्लास बन, समझ लो कि इसका क्लास बन गया इस कंट्रोल का, और उसकी दो चीजें आ गई, उसकी प्रॉपर्टी उसकी फंक्शनलिटी, ठीक है, या मेथड, सही है। प्रॉपर्टी में आपको पता है यही चीजें बार बार कर रहे हैं, कलर टेक्स्ट ये वो, और फंक्शनलिटी क्या है उसकी, मूवमेंट उसकी, क्लोज उसकी, ओपनिंग, ये दो चीजें जहन में कर लो फिलहाल, बाद में आप लोग कंट्रोल के लिहाज से उसकी मेथड उसके बिहेवियर्स वो आगे चेंज होती रहती है, हर मेथड की अपनी अलग होगी। ठीक है, समझ आ गया क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसकी दो चीजें, ये क्या है, ट्रेन का एग्जांपल भी दे दिया कि इसकी ट्रेन को अगर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं उसका एक क्लास बना दिया ट्रेन के नाम से, मजीद इसमें आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा, हो सकता है आपको और नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है मैंने नहीं किया, चले यहाँ तक ये हो गया, ओके ठीक है, समझ आ गई क्लास, समझ आ गई क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन गया क्लास बन गया, क्लास क्या है उसकी प्रॉपर्टीज को एक जगह पे स्टोर करता है उस ऑब्जेक्ट की या उस कंट्रोल की, अब उसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज और फंक्शनलिटी क्या है वो आपको पता है, प्रॉपर्टीज में कलर वाली चीजें आ गई, और मेथड या बिहेवियर में या फंक्शनलिटी में क्या है उसको क्लोज ओपन करना ड्रैग करना आगे पीछे उसको फंक्शन कराना। ठीक है, अब चलते हैं जी इंट्रोडक्शन टू इवेंट्स एंड इवेंट हैंडलर, मुतवज्जा हो सारे अभी, ये हम टॉपिक है, हम साथ साथ जब कर रहे होंगे तब भी बताऊंगा इनको, आगे चल के भी, लेकिन अभी थोड़ा इसको फिर भी समझ लो बेहतर है। अभी कोड में आपने देखा था वहाँ पर जो चीजें ऊपर इवेंट लिखा हुआ रहा था बटन सब, और उसके आगे देख रहे थे बीच में इवेंट इवेंट हैंडलर, एक दो जगह पर यूज हो रहा था ये वो वाला इवेंट है, तो ये है क्या असल में, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको पीछे मैकेनिज्म इसका समझ में आएगा, ये क्या है जो कोडिंग कर रहे हैं ना वो चल कैसे रहा है। ठीक है, अच्छा, द इंटरैक्शन बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स विद इन द एप्लीकेशन एंड विद एक्सटर्नल एंटिटीज इज फैसिलिटेटेड थ्रू इवेंट्स एंड इवेंट हैंडलर्स। अच्छा जी, जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं, ऑब्जेक्ट्स से आपके जहन में आ जाना चाहिए बटन, फॉर्म, टेक्स्ट बॉक्स, सब ये हो, इनके साथ इंटरैक्शन क्या है, बटन से अगर हम कोई कर रहे हैं इंटरेक्शन या माउस से उस बटन को क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद इंटरेक्शन करने पे जो काम हो रहा है, करते वक्त जो काम हो रहा है, उसके बाद जो काम हो रहा है, वो इस इवेंट और इवेंट हैंडलर से रिलेटेड है। इवेंट और इवेंट हैंडलर की बात कब आ रही है, जब आप इंटरेक्शन कर रहे होते हो कंट्रोल के साथ, चाहे माउस के थ्रू चाहे कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है, अब इसको मजीद एग्जांपल क्या करें, कंसीडर एन एप्लीकेशन व्हिच टेक्स इन टू नंबर्स एज इनपुट एंड एड्स द नंबर्स देन डिस्प्लेस द रिजल्ट, कंसीडर द फॉर्म शोन बिलो। एक फॉर्म बनाया हमने नीचे, उसमें क्या किया है कि दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का, इसको मैं पूरा पढ़ लेता हूँ पहले, फिर इसको दोबारा उधर एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, इंग्लिश इतनी तो समझ में आती है ना कि इसको पढ़ के समझ आ जाएगा। अच्छा, एक फॉर्म बनाया हमने, उसमें क्या किया, एज इनपुट क्या लिया, टू नंबर्स एज इनपुट लेता है वो, दोनों को जमा करता है और एक रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है। अच्छा, उसके लिए हमने फॉर्म बनाया, अब जैसे बनाया था उस फॉर्म में हमने एक बटन लिया, अब एक और प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर दो ले लिए, आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर, देन एड बटन इज क्लिक्ड ऑन। अच्छा, दो टेक्स्ट बॉक्स में हमने दे दिया कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, एक नीचे बटन दे दिया ऐड के नाम से, वो यूजर की तरफ से एक्सेप्ट करेगा वो दो नंबर्स को, और ऐड क्लिक करने पे वो आगे फंक्शन करेगा। अच्छा, कैसे फंक्शन जी, टू नंबर्स आर एडिट एंड द रिजल्ट इज डिस्प्लेड, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, दोनों नंबरों को वो जमा करेगा और रिजल्ट को दिखाएगा। व्हेन द ऐड बटन इज क्लिक, जब वो क्लिक होगा, समझ में आ रही है बात, जब वो क्लिक होगा, दो टेक्स्ट बॉक्स लिए, एक ऊपर एक नीचे, नंबर वन नंबर टू, और नीचे एक बटन है ऐड का। हमने प्रोग्राम बनाया जैसे कैलकुलेटर कह लो, कैलकुलेटर तो थोड़ा बड़ा, उसमें बहुत सारे मल्टीप्लाई डिवाइड, हमने छोटा सा बनाया, एक हिस्सा उसका लिया है जमा करने का, एक पहले नंबर दूसरे नंबर को वो ऐड करे।
अच्छा उस ऐड वाले बटन पे हमने क्लिक किया तो पीछे जो कोडिंग हम इस तरह से करेंगे कि वो पहले और दूसरे नंबर को आपस में ऐड करें और एक और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स या लेबल दे देंगे जिसके अंदर वो जमा वाले नंबर को दिखा देंगे भाई ये जमा है, बटन को ऐड वाले पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे इवेंट का काम शुरू होता है। अब इसको गौर से सुनना, ये तो इजी था फॉर्म बनाने का तरीका। इवेंट यहाँ से आपको समझना है, इवेंट और इवेंट हैंडल क्या है। फॉर्म समझ में आ गया, दो फॉर्म में बटन लिए, दो टेक्स्ट बॉक्स लिए, वन और टू नंबर और ऐड ऐड का एक बटन, ज्यादा चीजें नहीं लिए। उस फॉर्म का क्या काम है, हमने थ्योरी के लिए सोचा कि जी दोनों नंबर को ये फॉर्म बटन क्लिक करने पे दोनों फॉर्म को ऐड करेगा और एक डिस्प्ले में जमा करके उसको दिखाएगा, इतना काम है। यहाँ पे इवेंट और इवेंट हैंडलर का काम क्या है जी, इवेंट जब आप क्लिक करोगे उस बटन पे ऐड वाले पे, एन इवेंट इज रेज्ड, वहां पे एक इवेंट जो है ना पीछे से रन होगा या एग्जीक्यूट होगा, वो एक्टिव हो जाएगा इवेंट जो है ना। इन एन इवेंट कैन बी डिफाइंड एज मैसेज दैट इन्फॉर्म्स द एप्लीकेशन। उस इवेंट को आप ये कह सकते हो कि वो एक एक मैसेंजर है, एक कासिद है। वो क्या करेगा, वो आप बटन जैसे क्लिक किया वो एक इवेंट इवेंट जाग गया या मैसेंजर आ गया, जी भाई मेरे लिए कोई बुलावा है, बटन क्लिक करने पे बुलाया हुआ, क्या क्लिक है, अच्छा जी ये क्लिक किया है तो इवेंट इवेंट क्या करेगा, अच्छा जी बटन क्लिक हुआ है, वो सीधा जाके एप्लीकेशन को, जो फॉर्म वाला एप्लीकेशन आपने प्रोग्राम बनाया है वो इवेंट जाके बताएगा कि जी बटन क्लिक हुआ है, प्रोग्राम को बताया कि जी बटन क्लिक हुआ है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ है, इन्फॉर्म दी एप्लीकेशन दैट सम एक्शन हैज बीन डायरेक्टेड एट दी एप्लीकेशन आइदर बाय द यूजर यूजिंग द माउस और कीबोर्ड और बाय द सिस्टम। अच्छा उसने बता दिया कि जी कोई काम हुआ है बटन पे, इवेंट बता रहा है प्रोग्राम को यूजर के तरफ से बटन क्लिक हुआ है माउस के जरिए से, तो नाउ द इवेंट इवेंट क्या करेगा जी, फिर बता दो दिया एप्लीकेशन को, अब इवेंट हैंडलर का काम आएगा वहां पर। दो 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 चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, इवेंट और इवेंट हैंडलर। अब इवेंट क्या करेगा, इवेंट ने बता दिया जी बटन क्लिक किया यूजर ने, वो एक मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। इवेंट क्या है, मैसेंजर है, एक पैगाम रसा है सिर्फ, वो जैसे ही वो बैठा हुआ है बटन आपने दबाया वो उड़ गया जी, अच्छा जी बटन क्लिक हुआ, और सीधा एप्लीकेशन को जाके बताएगा कि जी बटन क्लिक हुआ है, कोई काम हुआ है पीछे। अब वो इवेंट हैंडलर को बता रहा है, इवेंट हैंडलर क्या कर रहा है, इवेंट हैंडलर जो जाके देखेगा कि इस प्रोग्राम के अंदर ये बटन तो क्लिक किया है, अब इस बटन के पीछे कोई कोडिंग रखा है उसने प्रोग्रामर ने कि मैं आगे उस पे काम करूं, कोई इवेंट हैंडलर उसको हैंडल करता है उस काम को, आगे क्लिक करने पे जो आप काम करना चाह रहे हो, मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हो या उन दो नंबर को जमा करना चाह रहे हो, वो इवेंट हैंडलर उस काम को चेक करेगा ये है तो मैं इसको काम को प्रोसेस कराओ, सुपरवाइजर है मतलब एक तरह से। इवेंट है, इवेंट जो है ना वो समझ लो एक वर्कर है जो बैठा हुआ है कि जी बटन जैसे को क्लिक हो फॉर्म पे मुझे आगे बताओ तुम, जैसे ही आपने बटन क्लिक किया इवेंट इवेंट जो वर्कर है वो जाके सीधा सुपरवाइजर इवेंट हैंडलर को बताएगा कि सर जी बटन क्लिक हुआ है तो आप देखे क्या करना है। इवेंट हैंडलर जाके देखेगा प्रोग्राम के अंदर, जी इसके लिए प्रोग्रामर ने कोई कोड रखा है कि क्लिक करने पे क्या करना है मुझे, तो इवेंट हैंडलर क्या करेगा, देखेगा कोड पड़ा है वो क्या करेगा, उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, एड दी टू नंबर, उन नंबरों को जमा करेगा सुपरवाइजर इवेंट हैंडलर, जमा करने के बाद उसका रिजल्ट दिखाएगा। विच आर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द स्पेसिफाइड इवेंट इज फायर्ड। इन दिस केस एन इवेंट हैंडलर फॉर द क्लिक इवेंट हैंडलर फॉर द क्लिक इवेंट हैंडलर क्या करेगा, एड बटन इज रिटर्न। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बटन के पीछे वो कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो इवेंट हैंडलर उसको एग्जीक्यूट कर सके। समझ में आ गया इवेंट और इवेंट हैंडलर। अच्छा यहाँ पे इस प्रोसेस को भी एक नाम दिया है सॉफ्टवेयर के जबान में, द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग द इवेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इवेंट हैंडलर इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। तो ये जो काम जो सारा हो रहा है ना, कि वहां से वो इवेंट बैठा हुआ है क्लिक हुआ, उसको पता चला कि बटन पे क्लिक हुआ है, वो भागा भागा पहुंचा इवेंट हैंडलर के पास, जी बटन पे कोई क्लिक हुआ है माउस के जरिए से, वो चेक, अच्छा उसने जाके प्रोग्राम में चेक किया आपके कोडिंग में जो आपने लिखा है, अच्छा जी ये इस बटन क्लिक करने पे इसने कोड डाला है कि ये दो नंबर को जमा करो, या इसने ये बटन पे कोडिंग डाला हुआ है कि मैसेज दिखा हेलो वर्ल्ड, तो वो क्या करेगा उस मैसेज को दिखाएगा, या उसको वो कोड मिल गया जमा करने का, वो इवेंट हैंडलर उस नंबरों को जमा करके वो पूरे डिस्प्ले दिखाएगा, पूरे कोड को आपके रन करेगा, मतलब पूरा एग्जीक्यूट करेगा उस इंस्ट्रक्शन को, यहाँ लिखा हुआ है ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है,
आप जो ऊपर सारा लिख रहे हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हो या नंबरों को जमा कर रहे हो, जो कोडिंग है वो पूरा इंस्ट्रक्शन है, कोड का इंस्ट्रक्शन, तो वो इवेंट हैंडलर वो सारा प्रोसेस करके आपको डिस्प्ले दिखाएगा। तो ये प्रोसेस को जो है ना क्या कहते हैं, इवेंट हैंडलिंग, इवेंट, इवेंट हैंडलर, इवेंट हैंडलिंग, ये तीन चीजें होगी। समझ आ गई इसमें बात? बिल्कुल इजी था। देखो ये हमने नए प्रोग्राम बताया, अभी कुछ समय ना आपने सिर्फ बटन डाला है जी, कोडिंग लिख दिया, उसके ऊपर बटन दबाया, आप पीछे समझ रही हो क्या चल रहा है, ये बैकग्राउंड पे चीजें हो रही हैं, लेकिन अब आपको पता है कि ये काम कैसे होता है असल में, ठीक है? ये काम इवेंट का होता है, इवेंट हैंडलर का होता है, इस प्रोसेस को इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। सर इवेंट हैंडलर को कैसे पता चलेगा कि इसको इवेंट इवेंट बताएगा उसको माइनस करना है, प्लस करना है, नंबर, ये आप डिफाइन करोगे, यही तो मैं बता रहा हूँ। इवेंट इवेंट एक वर्कर है, ठीक है, उसका काम क्या है, इवेंट सब जगह पे है, वो समझ लो सारे कंट्रोल्स पे नजर रखता है। इवेंट जो ना एक वर्कर है, वो सारे कंट्रोल पे नजर रखता है। कंट्रोल कौन से, जो आपने प्रोजेक्ट में अपने रखा हुआ है, फॉर्म में रखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स है, आपका बटन है, जितने भी है उस पे वो इवेंट चक्कर लगा रहा होता है जी, किसी पे कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा। जैसे किसी पे कोई काम हुआ वो भागा दौड़ा इवेंट जाके इवेंट हैंडलर को बताएगा, सुपरवाइजर, सर वो टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ लिखा जा रहा है, वो बटन पे क्लिक हुआ है, वो फिर इवेंट हैंडलर का काम है, वो चेक करेगा कि जी इस बटन पे जो क्लिक हुआ है वो प्रोग्रामर ने आया, इसके ऊपर कोई कोडिंग लिखा है, प्रोसेस करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ कोडिंग डाला, नहीं डाला। अगर उसने डाला है तो इवेंट हैंडलर उस कोड को पूरा एग्जीक्यूट करेगा, उसको अमल में लाएगा, मतलब उस मैसेज आपने कोडिंग लिखा है, मैसेज शो करने का, वो मैसेज को शो कराएगा वो आपके प्रोग्राम के अंदर। या आपने नंबर एड करने के लिए फार्मूला लिखा है कि कोडिंग लिखता हूँ 1 2 को एड करो, उसका रिजल्ट दिखाओ, वो इवेंट हैंडलर क्या होगा, अभी आगे प्रोग्राम बताएंगे ना। अब फिलहाल इसके लिए आप ये एग्जांपल ले लो, मैसेज बॉक्स वाला, ये तो आपने कर लिया ना। आप जैसे बटन क्लिक किया आपने हेलो का पहला एग्जांपल यही बनाया था ना। अब यहाँ पे इवेंट हैंडलर को कैसे लोगे आप, हमने हेलो क्लिक किया, इवेंट उठा गया, सर वो हेलो नाम का जो बटन फॉर्म पे पड़ा हुआ है, माई फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर जो पड़ा हुआ है हेलो नाम का बटन, वो क्लिक हुआ है। अच्छा, इवेंट हैंडलर जाके चेक करेगा जी हेलो बटन के ऊपर प्रोग्रामर ने क्या कोड लिखा है, आपने कोड क्या लिखा था, मैसेज डॉट शो करके माई फर्स्ट प्रोग्राम जो भी है, वो बोलेगा चाहिए लिखा हो, वो उसको एग्जीक्यूट कराएगा, उसको रन करेगा, वो दिखा देगा उसको आगे जाके कि जी ये मैसेज आपका आ गया, इवेंट हैंडलर अपना काम खत्म करके बैठ जाएगा। तो ये दो काम हो गए इवेंट इवेंट हैंडलर के, और इस प्रोसेस को पूरे इवेंट हैंडलर के देखने से आगे इवेंट हैंडलर को बता लेता कि इवेंट हैंडलर उसको एग्जीक्यूट करने पर कि सारा पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, इवेंट हैंडलिंग। बिल्कुल सिंपल चीज है, इसको मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है, टॉपिक अलग है, छोटा है, लेकिन बड़ा लग रहा है आपको, एक्सप्लेन किया इसीलिए ताकि आपको समझ में आ जाए, मुश्किल नहीं है कोई, ठीक है? बाकी इसको मजीद आप रिपीट कर लेना, जैसे आप करते जाओगे उनको जान के ले आना, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो इवेंट हैंडलर के बारे में सोचना, आप कोड पे जाके दोबारा मैं इसको आपको बताऊंगा। अच्छा जी, अब एक और हम फॉर्म यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, फॉर्म पिक्चर व्यूअर, क्या है ये पिक्चर व्यूअर, कोई बता सकता है मुझे? नहीं वो तो ठीक है, तो सही है, मतलब आपके इस वीबी के लिहाज से इसको क्या बोलेंगे, जैसे टेक्स्ट बॉक्स पे पहले हमने काम किया, जैसे हमने बटन लाया, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, शायद मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हो, कोशिश करो। नहीं नहीं ये क्या चीज है, मतलब जैसे बटन था ये भी उसी तरह है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स था, जैसे बाकी जो चीजें थी, ये भी कंट्रोल है एक आपका, ये भी कंट्रोल है, सारे हम कंट्रोल भी काम कर रहे हैं, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, पहले इसको कंट्रोल बोलोगे, जब ये प्रोग्रामिंग में आ जाएगा इसको एक अलग से नाम दिया जाएगा, फिर इसको एक अलग ऑब्जेक्ट के तौर पर हम ट्रीट करेंगे। तो ये भी एक, हमने कहा था ना बहुत सारे कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, तो पिक्चर बॉक्स भी या पिक्चर व्यूअर सॉरी फॉर्म में यूज करेंगे। तो कैसे ऐड करते हैं, वी शैल डिजाइन अ पिक्चर व्यूअर, फर्स्ट चेंज द टाइटल ऑफ द डिफॉल्ट फॉर्म टू पिक्चर व्यूअर इन द प्रॉपर्टीज विंडो। तो ये चीज भी नजर ध्यान में रखें आप लोग कि कोई भी आप फॉर्म बना रहे हो तो उसका टाइटल जाहिर सी बात है उसी तरह का हो जो उस पर हम काम कर रहे हैं। एमएस वर्ड पे हम जैसे काम करते हैं, वर्ड से रिलेटेड काम करते हैं, तो वर्डिंग के ऊपर काम होती है, तो उसका नाम उस लिहाज से प्रोग्राम ने डाल दिया। तो यहाँ पे हम पिक्चर बॉक्स है कर रहे हैं ऐड, ठीक है? मोबाइल कहीं छोड़ा है, तो
यहाँ पे हमने इसको पिक्चर व्यू पे काम कर रहे हैं, पिक्चर व्यूअर पे हमने इसका टाइटल नाम देते हैं व्यूअर, सही है। प्रॉपर्टीज में जाके चेंज करना है वही तरीके का है। नेक्स्ट इंसर्ट अ पिक्चर, पिक्चर बॉक्स, अभी हम प्रैक्टिकली भी करेंगे इसी तरह जैसे हमने बटन ला के डाला था, इसी तरह हम पिक्चर बॉक्स भी टूल बॉक्स उठा के डाल देंगे, बड़ा छोटा उसको जैसे करना चाहो। अच्छा, चेंज इट्स बैकग्राउंड कलर टू व्हाइट, व्हाइट भी चेंज करना है। इस पर इसीलिए मैंने एक चीज़ लिखी है, जब आप इसको देख देख के चीज़ों को करने लगो वो भी आपको ईजी हो, ठीक है। ये हालांकि सारे बताने वाली चीज़ें प्रैक्टिकली लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों का बिगनर है तो मुझे जरूरत पेश आएगी कि इनको मैं हर चीज़ को मेंशन करूँ। टू डू दिस राइट क्लिक द पिक्चर बॉक्स एंड सेलेक्ट प्रॉपर्टीज इन द पॉपअप मेन्यू, देन लुक फॉर द बीजी कलर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज शोन इन द प्रॉपर्टीज विंडो। ये उसी तरह प्रॉपर्टीज सबकी इसी तरह नजर आएंगे जैसे फॉर्म के लिए प्रॉपर्टीज देख रहे थे, ठीक है। अच्छा, फिर दो बटन डालने, ऐड टू बटन टू द फॉर्म एंड चेंज द टेक्स्ट टू व्यू एंड क्लोज। एक पिक्चर बॉक्स ले लिया फॉर्म के अंदर, नीचे दो बटन डाल दिए व्यू और क्लोज का इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज विंडोज। नाउ वी हैव डिजाइंड अ बेसिक पिक्चर व्यूअर, मतलब छोटा सा एक प्रोग्राम हमने बना दिया जिसका काम क्या होगा कि वो हमें पिक्चर्स दिखाएगा, सिर्फ व्यू पे क्लिक करेंगे और वहां से पिक्चर जो भी उठा के डालना है हम डालेंगे। क्लोज करना होगा, जब क्लोज कर दो कोई और डालना है फिर व्यू पे क्लिक करो कोई और डाल दो, छोटा सा प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। समझ आ गई बात, यहाँ पिक्चर व्यू का क्या है, टूल बॉक्स से पिक्चर व्यू डाल दिए बटन की तरह, नीचे दो बटन डाल दिए, उनका नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज करना आपको आ गया, कैसे करते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर कलर चेंज करना वो भी आपको आ गया। हर कंट्रोल के लिए उसी प्रॉपर्टीज में उसी जगह पे आगे पीछे आपको कलर चीजें चेंज करने की मिलेंगे, कोई और जगह नहीं है उनको, क्योंकि कंट्रोल जहाँ पे है उसकी प्रॉपर्टीज उसी प्रॉपर्टीज में आ रही है सबकी, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल ये नजर आ रहा है क्लियर आपको, ये भी हम बनाएंगे इसको इसी तरह, ठीक है। ये पिक्चर बॉक्स है आपका, ये दो बटन है, सिंपल सा प्रोग्राम, ठीक है। शुरू में हमने सिर्फ एक टर्क बॉक्स लिया और छोटा सिंपल काम के टाइटल, अभी हम आगे चले गए थोड़ा सा, पिक्चर बॉक्स डाला हमने, ये एक सादा सा चीज़ है इसीलिए मैंने इसको पहले लिया है, बाद ही वो चीज़ें ज़्यादा यूज होंगी उनको बाद में इस्तेमाल करेंगे। दो बटन डाल दिए और ये प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो साइड पे, ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है इसका, देख रहे हो इसी तरह वो नीचे प्रॉपर्टीज भी आ रही है। ये एग्जाम्पल के तौर पर इसी हमने यहाँ डाल दिया इसके स्नैपशॉट। अच्छा, अब यहाँ पे फिर हम वो इवेंट हैंडलर वाली की बात काम पे आएंगे थोड़ा सा, लेकिन पहले देखो कोडिंग फॉर पिक्चर बॉक्स पे कोडिंग करेंगे। कोडिंग से पहले कुछ चीज़ें समझ लो इसकी, वी नीड टू ऐड दी ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स कंट्रोल ऑन दी फॉर्म। अच्छा, पिक्चर व्यूअर में तो दो तरीके होते हैं पिक्चर डालने के, पहले वाले तरीकों को छोड़ दो वो थोड़ा सा ईजी है उसको करते हैं बाद में, लेकिन ये ज़्यादातर यूज होता है इसीलिए मैंने ये डाला है। अच्छा जी, क्योंकि बटन के ऊपर है ना, कोडिंग करके आप डायरेक्टली पिक्चर डाल सकते हो, वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा बस एक दिन रन करने वाले, लेकिन आप चाहते हो अपने हिसाब से यूजर उस पर डालना चाहता है तो डायलॉग बॉक्स खुलना चाहिए उसके लिए, ठीक है। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स भी एक कंट्रोल है, सही है। अब ये चौथा कंट्रोल आ गया, एक पिक्चर बॉक्स डाल दिया आपने, दो बटन डाल दिए क्लोज और व्यू के लिए, चौथा डाल दिया ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स, ये वो कंट्रोल है जो आपके उस पर नजर नहीं आएगा फॉर्म पे, जैसे टाइमर का मैंने कहा था, ठीक है। तो दिस कंट्रोल विल बी इनविजिबल, बता रहा है आगे ड्यूरिंग रन टाइम, जब आप जैसे इसको आप रन करोगे ये नजर नहीं आएगा आपको, बट इफ इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग अ डायलॉग बॉक्स एंड लेट द यूजर ब्राउज इज और आर लोकल ड्राइव्स, लोकल ड्राइव्स आपको वही है डीसी डेस्कटॉप जो भी है, देन सेलेक्ट एंड ओपन अ फाइल। ये रोजमर्रा आप काम कर रहे हो फाइल में जाके ओपन करना, ये वही डायलॉग बॉक्स की बात कर रहा है, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स शॉर्ट में डायलॉग लिखा हुआ है इसको, तो इसको नाम से ही आप समझ जाओ, जो आप रोजमर्रा यूज कर रहे हो उसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तो किसी और प्रोग्रामर का आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप अपना मतलब डाल रहे हो, अपने एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें आप एक ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स का एक प्रोग्राम बना रहे हो मतलब। अच्छा, तो इसमें क्या होगा जी, इन ऑर्डर फॉर ओपन डायलॉग बॉक्स टू डिस्प्ले ऑल टाइप्स ऑफ इमेजेस फाइल्स वी नीड टू स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ इमेजेस फाइल्स अंडर द फिल्टर प्रॉपर्टी। अब ये वही प्रॉपर्टीज हैं, दो चीजें हमने कहा था ना, अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, कौन सा ऑब्जेक्ट ले लिया, फाइल ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स एक ऑब्जेक्ट है, एक कंट्रोलर है, इसकी एक क्लास बन गई। अब इसकी क्लास में प्रॉपर्टीज हैं और फंक्शनैलिटी भी है,
अच्छा अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज की हमने यहाँ पे क्या बात कर दी है, ये फिल्टर अपने इसने खुद एक बता दिया, फिल्टर प्रॉपर्टी। फिल्टर प्रॉपर्टी में क्या किया, स्पेसिफाई द इमेज फाइल्स यूजिंग द फॉर्मेट। अब उस फिल्टर प्रॉपर्टी में हमने सिर्फ फिल्टर करके बता दिया। फिल्टर करने का क्या है कि फालतू चीजें हटा दो, जो हमें चाहिए वो दे दो। पानी की बात करते हैं ना, फिल्टर करने में कचरा हटा दिया और नीचे को फिल्टर साफ पानी आएगा। अब यहाँ पे फाइल के अंदर फिल्टर क्या है जी, अब फाइल तो हमारा एक्सटेंशन की बात आ रही है यहाँ पे। फाइल तो बहुत सारे, एक्सी फाइल है, डॉट फाइल है, पीडीएफ फाइल है, डॉट पीपीटी प्रेजेंटेशन की फाइल है, ये सारा एक्सटेंशन है। यहाँ आल फाइल्स आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे फिल्टर करके इसको हमने प्रॉपर्टीज के अंदर फिल्टर प्रॉपर्टीज में जाके इसको फिल्टर करके बता दिया, सिर्फ इमेज फाइल्स ही लोगे आप, सिर्फ इमेज फाइल लोगे। फिल्टर प्रॉपर्टीज करना पड़ेगा, ये अभी करते हैं हम, ठीक है। उसमें फिल्टर इमेज के कौन कौन से टाइप्स है जो मोस्टली यूज होते हैं, जिपेग फाइल है, जिफ है, ठीक है, बिटमैप है, बिटमैप बहुत पुराना है, जेपीजी और जिफ ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा जिपेग फाइल यूज होता है, ठीक है। देयर आर द कॉमन इमेज फाइल फॉर्मेट बिसाइड्स द दैट यू आल्सो नीड टू डिलीट द डिफॉल्ट फाइल नेम एज शोन। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद क्या करेंगे जी, फिल्टर करके हमने प्रॉपर्टीज में हमने फिल्टर लगा दिया जी, सिर्फ हमें इमेज फाइल, हमने इमेज व्यूअर पे काम करें तो सिर्फ इमेज फाइल चाहिए, दूसरे नहीं उठाएंगे। नाउ डबल क्लिक ऑन दी व्यू बटन एंड एंटर दी फॉलोइंग कोड। अच्छा ये फिल्टर है, उसी तरह वही प्रॉपर्टीज है, सेम साइड पे जो आ रहा होता है बॉटम पे, ठीक है, राइट साइड पे, वहां पे नीचे जाके आपको फिल्टर ढूंढना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने करके ये इसको सिर्फ इमेज फाइल लेनी है, बाकी सारी चीजें आप हटा दो समझो एक तरह से, ठीक है। ये आप स्नैपशॉट इसलिए देखा आपको यहाँ नजर आए, तो आप अभी उस पर भी चल के देखते हैं, दोबारा करेंगे, घबराना नहीं, कोई जरूरत नहीं, अभी इसलिए कर रहे हैं कि कल दोबारा इसको रिपीट करें कोशिश करके, ताकि और एक्सप्लेन हो जाए आपको। अच्छा ये इसको नेगलेक्ट कर लेना, ये इसको अभी कंसीडर ना करो। अच्छा अभी कोडिंग को थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा इसको समझो, फिर उसके बाद इसको वहाँ करके देखेंगे। अच्छा यहाँ पे जी हमने माउस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डबल क्लिक ऑन द व्यू बटन, डबल क्लिक क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कोडिंग सेक्शन में जाएं। किसी भी कंट्रोल पे डबल क्लिक करेंगे वो सीधा हमें उसकी कोडिंग पे ले जाएगा कि इसको जब रन करेंगे तो उसपे क्या इंटरेक्शन, क्या इसका मतलब एग्जीक्यूशन क्या करना चाहते हो, चलाने में इसको क्या आप चाहे फंक्शनलिटी क्या होना चाहिए इसकी। तो फंक्शनलिटी के लिए क्या किया, ये वही कोड है देखो, प्राइवेट सब, ये सब जो है ना, ये इसको एक हेल्पर की तौर पर यूज कर सकते हो, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। ये समझ लो आपके इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्राइवेट और पब्लिक, पब कहते हैं इसको, पब्लिक और प्राइवेट दो टाइप के फंक्शन होते हैं, इनके अलग अलग सिनेरियो, ये अभी इस पर हम नहीं जाएंगे, बाद में जरूर जहाँ पेश है वहाँ मैं आपको बताऊंगा। अच्छा प्राइवेट एक एग्जीक्यूशन हो रही है बटन की, ये सेंडर यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंडर एज ऑब्जेक्ट आपका कौन सा बटन है, और एज इवेंट आर्ग्यूमेंट ये भेज रहा है, आर्ग्यूमेंट मतलब उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं ना, किसी से गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, बहस करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट है। तो ये इवेंट जो है ना वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं इस हैंडलर के साथ। अब आगे हैंडलर क्या कर रहे हैं, बटन को क्लिक के बारे में बता रहे हैं, क्लिक करने के बाद फिर ये इवेंट हैंडलर, देखो हैंडलर के बाद ये काम हो रहे हैं, यहाँ बीच में आगे कहीं नहीं दिया, इवेंट से पहले आगे पीछे जो मैंने अभी आपको इवेंट और इवेंट हैंडलर समझाया था ना, तो ये देखो इवेंट हैंडल्स के बाद हैंडल्स क्या कर रहे हैं, बटन क्लिक हैंडल्स ये चीजें हैंडल कर रहा है, वो हैंडलर ये काम कर रहा है सारा, इवेंट हैंडलिंग नीचे हो रही है, इवेंट ने यहाँ पे आर्गुमेंट किया हैंडल्स के साथ, इवेंट हैंडलर के साथ, और उसने आगे एग्जीक्यूशन कर दिया। इफ अगर ओपन फाइल जो डायलॉग बॉक्स है वो सेलेक्ट इमेज जो है ना वो क्लिक हो, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है एक, दो इसकी प्रॉपर्टी दे दी, प्रॉपर्टी कौन सी, शो डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स दिखाओ, उस डायलॉग बॉक्स में क्या हो, विंडोज का जो फॉर्म है, ये विंडो हमारे पास खुला है, ये इसका जो फॉर्म है उसके अंदर डायलॉग रिजल्ट शो होना चाहिए, डोंट ओके। अच्छा देन क्या हो, ओके करने के बाद क्या हो, पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज, पिक्चर बॉक्स जो आपने बनाया उसका नाम पिक्चर बॉक्स वन ही रखेंगे, हम चेंज नहीं करते, डॉट इमेज ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इमेज किस के बराबर होना चाहिए, इमेज डॉट फॉर्म फाइल, कौन सा फाइल, ये वो जो फाइल ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स का फाइल है। अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रैकेट में ओएफजी जो फाइल उसने जो सेलेक्ट किया है, डॉट फाइल नेम, फाइल का नाम भी हो रहा होगा कोई भी इमेज, ये
उस प्रोसेस को कोडिंग में बता रहा है। समझ रहे बात को? पानी ले रहा है थोड़ा सा, दो मिनट बस इसको वाइंड अप करते हैं। मुझे पता है ये बड़ी बोरिंग लग रही है, लेकिन बोरिंग नहीं, टाइम ओवर हो गया, कर लो उसको कवर, टाइम बस दो मिनट इसको वाइंड अप करते हैं, कल दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे। ये कोडिंग में ये सारा प्रोसेस बता रहा है जो हम कर रहे होते हैं ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने उस बटन पे क्लिक किया है ना, ओके पे, कौन से ओके पे, आपने डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है जो हमने फाइल उठाया, ठीक है, उस पर क्लिक किया, ये उस फॉर्म के क्लास को कॉल कर रहा है यहाँ पे, उसके अंदर ये तो हो गया, क्लिक हो गया उसको कॉल करने के बाद, फिर वो पिक्चर बॉक्स बॉक्स के अंदर क्लिक कर दिया हमने, एक इमेज ओपन कर रहे हैं ना, एक फाइल ओपन कर रहे हैं डायलॉग बॉक्स में, ये बताता हूँ ना मैं, ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करके इसी में करके बताता हूँ, इसको छोटा करें जरा, वो साइड पे नजर आ रहा है आपको, सॉरी अभी ये मैंने इसको क्लिक किया ओपन, ब्राउज का कोई ऑप्शन आ रहा है नीचे, नहीं हाँ नहीं, ये वाला काम कर रहा है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा ये आ गया, अब ये चीज खुला, ये वही ओपन फाइल डायलॉग से देख रहे हो, ओपन फाइल डायलॉग जो सिलेक्शन है वो ये रहा। अच्छा ये जो यहाँ पे क्लिक कर रहा है, यहाँ पे उसने ओके का नाम दिया इसको, ओके पे जैसे क्लिक किया है ना, हमें पहले से एक इमेज ये सेलेक्ट किया है, मतलब ये एक इमेज है, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ, इसको ओके करेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ जी, वो ओके पे सेलेक्ट करने के बाद और नीचे जाना पड़ेगा, हाँ ठीक है, अब नजर आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे ओके नीचे वाले ओके पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि वो पिक्चर बॉक्स पे जाएगा, वो जो आपने ये सेलेक्ट किया ना ये इमेज, वो उस पिक्चर बॉक्स पे जाके उसको मतलब लगा देगा, पहले तो खाली था ना, हमने तो ऐड किया, ब्लैंक था, लगा देगा, किसको लगाएगा, जो आपने फाइल डायलॉग बॉक्स में इमेज दो डॉट फाइल नेम जो ना फाइल नेम जैसे db.net है, इस फाइल नेम को चेक करेगा कोडिंग के थ्रू, वो उसको वहां पे, ये प्रोसेस यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ना, मतलब वो उस कोडिंग के थ्रू है, मतलब यहाँ हम फिजिकली उसको बता रहे हैं, वो कोडिंग के जरिए से वो अलग अलग एक वर्डिंग एक एक बार अल्फाज उसको, अभी हम मूवमेंट है या क्लिक है या सिलेक्शन है, यहाँ पे वही सारा काम हो रहा है, देख रहे हो, फॉर्म डॉट इमेज है बराबर किया किसके, इमेज डॉट फॉर्म फाइल, और ये जो फाइल डायलॉग बॉक्स खुला है उसको सेलेक्ट किया है उसने, कौन से को जो नाम हमने उठाया हुआ उसको वो उस पर चिपका दे, ये प्रोसेस है। अब इसको कल प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है, दो एक दो स्लाइड और रहती थी, मैंने कहा कोशिश करेंगे पूरे करने, हालांकि इसकी स्लाइड